बुड्ढा दरिया नगर निगम के लिए एक कमाऊ पुत है। बुड्ढे दरिया के नाम पर नगर निगम के अफसरों ने लाखों करोड़ रुपए हजम कर लिए हैं। और ये बुड्ढा दरिया आज भी देखो बुड्ढा हो गया, फिर भी आज भी ये नगर निगम को पैसा दे रहा है। तो देखिए हम कुछ बताते हैं आपको बुड्ढे दरिया के बारे। कुछ दिन पहले बुड्ढे दरिया के जो प्लानर थे, जो प्लानिंग ऑफिसर थे, उन्होंने फैसला किया कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है बुड्ढे दरिया के साथ साथ, ये देखिए सामने जो नई कंस्ट्रक्शन बनी है, ये 2-3 साल पहले बनी है और जो क्वार्टर बना के किसी ने लेबर को दे दिए हैं, ऐसे जो कंस्ट्रक्शन 5-7 साल में हुई है, जबकि पूछता नहीं उन लोगों को जो धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं लोग। वो देखिए सामने भी एक बुड्ढे दरिया के किनारे पर, वहाँ पर जो रास्ता छोड़ा गया था पहले 15-20 साल पहले जब मुहिम चली थी, तो बुड्ढे दरिया को दोनों तरफ से प्लेन कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने फिर बना लिया। कहते यार कोई पूछने वाला है ही नहीं, इसका तो बाप कोई है ही नहीं बुड्ढे दरिया का, तो कोई आका नहीं है, कोई नगर निगम का अफसर ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने पक्के मकान बना लिए, लोगों को किराए पे चढ़ा दिए। और देखिए जी जितने भी लोगों ने छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, और कई जगह तो उनसे जबकि जोधेवाल बस्ती के पास है, वहाँ तो इनके पास कुछ कंस्ट्रक्शन हटाई नहीं गई थी जो बनी हुई थी जब यहाँ पर मुहिम चली थी। तो आज फिर ये फैसला किया इन लोगों ने कि हम ये जितने भी हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तो इनको हटा दिया जाएगा। पता नहीं कैसे इनके दिमाग में फिर दोबारा आ गया भी ये हटा दो हैं। पहले तो 10-12 सालों के तो किसी ने हटाने की सोची नहीं। देखिए प्लानिंग बन रही है भाई, स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा आया है, जो पैसा आया उसको सड़क का काम करने के लिए भी लगाया जाएगा ना। जब सड़क का काम करने के लिए उस पैसे को लगाया जाएगा तो फिर भी तभी तो खाया जाएगा ना। अगर वो कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, जैसा कुछ मकान नहीं हटाएंगे, तो पैसा नहीं कहीं पर लोगों को दिखाएंगे हम काम कर रहे हैं, तो कैसे खा सकते हैं आदमी। खाने के लिए भी कोई प्लान बनाना पड़ता है। तो देखिए आगे कैसे प्लान बनते हैं इनके। स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ फंड आया है सेंटर से, और जब बुड्ढा दरिया खाएगा, और बुड्ढा दरिया का जो पैसा है वो लोगों की जेब में जाएगा। देखिए धीरे धीरे करके बिल्डिंग ब्रांच को भी काम मिल गया है, बिल्डिंग ब्रांच हर घर को जाके देखेगी कि कौन सा बुड्ढे दरिया की रेंज में आता है, और फिर उसको गिराया जाएगा। पहले जब बनते थे किसी ने हटाया नहीं, क्यों नहीं हटाया भाई साहब आप लोगों ने, बिल्डिंग ब्रांच ने पहले हटाना चाहिए था। अब जब बन गया बेचारे ने पैसे लगा दिए किसी गरीब आदमी ने, तो पैसे कमाने के लिए हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब बनते हैं उसी समय तोड़ो ना इनको। और अभी आपको एक हम दिखाते हैं धीरे चल के, एक काउंसलर साहब है वो देखिए ऐसे दोबारा आ गए, जैसे सभी लोगों ने 5-5 फुट जो है 10-10 फुट जगह छोड़ रखी है अपने सभी ने अपने बुड्ढे दरिया के साथ साथ। लेकिन वो आगे दीवार देख रहे हैं ना, एक ऐसी दीवार है काउंसलर साहब का, वहाँ पर कुछ बना हुआ है गैराज वगैरह, तो उसने 5 फुट जगह नहीं छोड़ी बिल्कुल भी, उसी का देख रहे हैं आप वहाँ पर। हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, हो सकता है हमको कुछ कहने लग जाए, वो कहेगा तुम क्या कर रहे हो जहाँ पे, तो इसलिए भाई साहब हम आगे नहीं जाएंगे, दूर से दिखा रहे हैं आपको। डर लगता है काउंसलर से भी, बड़े बड़े आदमी हैं ना लोग, ये बड़े बड़े इनकी अप्रोच भी बहुत बड़ी बड़ी है, हैं। अब उसको हटा के दिखाए ना, जब पहले कंस्ट्रक्शन की थी उसने तब तो 5 या 10 फुट उससे कोई बोला नहीं गया भी जगह छोड़ी है, जैसे ये दुकानों वालों ने छोड़ी है जहाँ पर देखिए, ये सब दुकानों वालों ने पीछे छोड़ी है थोड़ी जगह 5-5, 10-10 फुट रजिस्ट्री के मुताबिक, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। और अभी एक नगर निगम ने नवा सोचा छोड़ा है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है कंस्ट्रक्शन हुई है लोगों की बुड्ढे दरिया के आसपास, उनको तोड़ा जाएगा, उनको हटाया जाएगा, वहाँ पर सड़क बनाई जाएगी। ये नया दिमाग में उनको आइडिया आया, पहले भी 15-20 साल पहले भी आइडिया आया था, अब फिर इनके दिमाग में आइडिया आ गया है, और उसी के मुताबिक ये आइडिया पर काम करेंगे, और जो फंड आया है स्मार्ट सिटी के नाम पर वो बुड्ढे दरिया के आसपास फिर खर्च किया जाएगा। खर्च करने के बाद खर्च में जो कुछ होता है आप लोग सभी को पता है क्या करता है ये नगर निगम, क्यों नहीं बुड्ढा दरिया साफ हो रहा, कितने सालों से नहीं साफ हो रहा है, कौन साफ करेगा इसे, ये तो सोचने वाली बात है भाई साहब। आप लोगों के पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। चलो हमने तो बोल दिया। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।